दोस्तों, हैकिंग के पहले हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हैकिंग दरअसल क्या होती है और हैकिंग को लेकर जो भ्रांतियां हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, हैकिंग के बारे में सबसे बड़ी भ्रांति है कि हैकिंग का मतलब होता है चोरी करना। दोस्तों, हैक का मतलब होता है बाईपास, और अगर आप हैकर का डिक्शनरी या शब्दकोश से मीनिंग देखेंगे तो आप जानेंगे जो व्यक्ति लकड़ी पर नक्काशी का कार्य करता है, या आसान शब्दों में कहो तो जो लकड़ी को अपनी इच्छा के अनुसार एक स्वरूप देता है, जिसे हम हिंदी में बढ़ई भी कहते हैं, वो हैकर कहलाता है। यही बात कंप्यूटर पर लागू होती है। आप स्क्रीन पर हैकर की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। अ पर्सन हु एंजॉय मॉडिफाइंग हाउ सिस्टम फंक्शन इज कॉल्ड हैकर, यानी वह व्यक्ति जो किसी भी मीडिया डिवाइस को उस तरीके से कार्य करवा सकता है जैसा उसे पसंद है, हैकर कहलाता है। हैकर का कंप्यूटर स्किल एक्सेलेंट होता है, ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और कंप्यूटर को किसी दूसरे से ज़्यादा जानते हैं। आइए अब हम देखते हैं हैकर के टाइप्स क्या होते हैं, हैकर्स कितने टाइप्स के होते हैं। पहला है ब्लैक हैट हैकर्स, जिन्हें हम क्रैकर्स भी कहते हैं, वाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स, सुसाइड हैकर और फ्रीकर्स। सबसे पहले ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स वो होते हैं जो अकेले कार्य करते हैं और इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंप्यूटर स्किल होता है। ये क्रैकर के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्हें मेलिशियस एक्टिविटीज करना अच्छा लगता है। ये बुरे हैकर होते हैं, गलत तरीके से अपने स्किल का उपयोग करते हैं। वाइट हैट हैकर किसी लीगल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं, इनका कार्य ब्लैक हैट हैकर को रोकना होता है। ये पेनिट्रेशन टेस्टर या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। ये वही टूल्स और वही स्किल यूज करते हैं जो क्रैकर्स करते हैं, पर वाइट हैट हैकर सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी दूसरे शब्दों में कहो तो ये डिफेंसिव होते हैं। ग्रे हैट हैकर्स ये दोनों तरह के कार्य करते हैं। सबके सामने तो ये वाइट हैट हैकर की तरह कार्य करते हैं, पर अकेले में इनकी एक्टिविटीज ब्लैक हैट हैकर्स की तरह होती है। फिर आते हैं दोस्तों सुसाइड हैकर पर। सुसाइड हैकर वो होते हैं जिन्हें हैकिंग के लॉ और उन कायदे और कानून की समझ नहीं होती। इन्हें हैकिंग को लेकर कितने लॉस, किस किस कंट्री में किन किन लॉस, कौन कौन से लॉस चलते हैं, इन्हें नहीं पता होता। इन्हें नहीं पता होता कि जो कार्य करेंगे इसका परिणाम क्या होगा और इन्हें कितनी सजा भुगतनी पड़ सकती है। दोस्तों, फ्रीक की बात करें, दोस्तों फ्रीक वे होते हैं जो अपनी हैकिंग स्किल का इस्तेमाल सिर्फ फोन हैकिंग पर ही यूज करते हैं और इन्हें फोन हैकिंग में ही रुचि होती है। दोस्तों, हैकर वर्ल्ड में हैकिंग को लेकर कुछ टर्म्स या कुछ शब्दों का प्रयोग बार बार होता है, आइए हम उन्हें एक बार जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला होता है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का तात्पर्य कमियों से है, किसी सिस्टम की सिक्योरिटी में कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसे वल्नरेबिलिटी या लूपहोल कहते हैं। इन्हीं लूपहोल या वल्नरेबिलिटी के द्वारा कोई हैकर आपके सिस्टम को हैक कर सकता है। दोस्तों, सेकेंड टर्म है रेड टीम में अलग अलग तरह के स्किल्स वाले हैकर मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, जिन्हें अलग अलग फील्ड में महारत हासिल होती है। ऐसे हैकर्स मिलकर एक रेड टीम बनाते हैं और फिर वो किसी को हैक करने का काम करते हैं, तो ऐसी टीम रेड टीम कहलाती है। सेकेंड थर्ड वन टारगेट या विक्टिम वो कहलाते हैं जिस सिस्टम को हैक किया गया हो। पैच लेवल, दोस्तों वल्नरेबिलिटी या लूपहोल या कमियों को ढूंढकर उस सिस्टम की उन कमियों को पूरा कर देना पैच लेवल कहलाता है। आखिरी में बात करेंगे हैकटिज्म के बारे में। दोस्तों, हैकिंग का उपयोग जब किसी पॉलिटिकल एजेंडे को प्रमोट करने के लिए होता है तो होता है या फिर हैकटिज्म बदले की भावना से पैदा होता है, पॉलिटिकल और सोशल रीजन की वजह से जो हैकिंग होती है वो हैकटिज्म कहलाती है। दोस्तों, हैकिंग एक कंप्लीट मॉड्यूल चलता है। मॉड्यूल मींस हैकिंग की अपनी एक के बाद एक सारी स्टेप्स होती हैं, उसके बाद हैकिंग का एक कंप्लीट कोर्स पूरा होता है। आज हमने हैकिंग का इंट्रोडक्शन देखा, नेक्स्ट सारे ट्यूटोरियल्स में हम वन बाय वन सारे ट्यूटोरियल्स देखेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल फुटप्रिंटिंग, उसके बाद स्कैनिंग, फिर न्यूमरेशन, सिस्टम हैकिंग, ट्रोजोन्स, वायरसेस एंड वॉर्म्स, स्निफिंग, सेशन हाईजैकिंग, वेब हैकिंग, क्रिप्टोग्राफी एंड वायरलेस नेटवर्क हैकिंग। दोस्तों, नेक्स्ट
जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल मैं आपके लिए डालूंगा वो फुट प्रिंटिंग का होगा, जरूर देखिएगा। और अगर मैं आपको मुझ मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इसे लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।